और गाइस लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कैसे हम प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड करते हैं यूजिंग सेशंस। तो अब आप नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कार्ट का आइकन नज़र आए, वहाँ पे काउंटर नज़र आए कि कितनी हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हैं। जस्ट लाइक जेन्युइन जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर भी ऐसी रियल टाइम होता है कि कार्ट के ऊपर आइकन आया होता है और उसके ऊपर काउंटर चल रहा होता है कितनी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हैं। तो उसके सिलसिले में हम देखते हैं कि बूट स्नैप के ऊपर कौन कौन से हमारे पास प्लगइन मिल सकते हैं। हम सर्च करते हैं लेट्स कार्ट कार्ड के बारे में। तो इसमें से जो आपको बेहतर लगता है कार्ड की डिटेल और कार्ड का आइकन वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा देखता हूँ, ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, ये वाला हम कार्ड का आइकन उठा लेते हैं, सही हो गया। और ये डिटेल आएगी कार्ड की जो हम इन फर्दर यूज़ करेंगे, राइट। तो मैं इसका HTML कोड उठा लेते हैं, हमें पहले आइकन चाहिए। आइकन इसका पड़ा हुआ सर्च के बाद, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ कोड, क्योंकि देखिए ये सर्च बार है, सर्च के बाद के ये कार्ड का आइकन है, इसको मैंने उठाना है, ठीक है। तो और मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्टैक्ट के बाद चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट का मास्टर पेज ओपन करूँगा, क्लाइंट मास्टर पेज, और ये जो LI इसको एक और मैं LI यहाँ पे लिखूँगा और उसके अंदर ये मेरा कोड पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, हम जब इसको रिफ़्रेश करते हैं देखते हैं हमारे पास जो चेंजेस हैं वो पेज पे आई हैं या नहीं। ठीक है जी, ये कार्ड आ गया, यहाँ पे 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, इसको हमें रिमूव करना है। 3 यहाँ पे ना आए, फर्स्ट टाइम 0 ही होगा जब तक इसके अंदर काउंटर खुद ना बढ़े। यहाँ पे इसको बिल्ट इन कर देते हैं, ASP लेबल ID इज़ इक्वल टू LBL प्रोडक्ट काउंटर रन एट सर्वर, और इसका टेक्स्ट कर लेते हैं 0। ठीक है, 0 आउट कार्ड पे जब क्लिक करूँ तो सेशन में जो वैल्यू पड़ी हो वो सारी के सारे जितने भी उसमें प्रोडक्ट्स ऐड होती जा रही हैं वो यहाँ पे काउंटर में मतलब जो कार्ड के आगे 0 लिखा आ रहा है यहाँ पे बढ़ती जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड का जो मैंने एक बटन बनाया या उसको कर लें या इसको लिंक कह लें, लिंक जो बनाया मैंने ये मास्टर पेज पर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब है जब भी पेज लोड होगा तो मास्टर पेज चलेगा क्लाइंट का, तो उस टाइम हम चेक कर लेंगे कि इस सेशन का जो हम कार्ड के लिए जो सेशन बना रहे हैं या प्रोडक्ट के लिए जो सेशन बना रहे हैं उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर पड़ी है तो कितने उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, जस्ट लाइक सेम लॉजिक जो हमने प्रोडक्ट डिटेल के पेज बनाई थी दिस वन, कि अगर सेशन का जो सेशन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड की हुई हैं वो नल है या नहीं। ठीक है, हम क्लाइंट का मास्टर पेज बनाते हैं, व्यू कोड यहाँ चेक लगा लेते हैं। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब है कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो वैल्यूज़ क्या करेंगे, लिस्ट में हम डालेंगे जो इंटीजर लिस्ट हमने बनाई थी, लिस्ट कर लें इसको, सॉरी सेशन प्रोडक्ट IDs एज लिस्ट इंटीजर्स। ठीक है, और LBL काउंटर डॉट टेक्स्ट ये वो लेबल है जो हमने अभी बनाया उसमें कार्ड के लिए बनाया, लिस्ट डॉट इसको करते हैं काउंट। ठीक है, जितने भी उसके अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी वो ठीक है डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग लेती है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर हम इसको रन करके देखते हैं कि आया ये हमारा वाला काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है जी, अभी कार्ड में वैल्यू 0 आ रही है, मैं लिपस्टिक वाले क्लिक करता हूँ, इसको ऐड टू कार्ड करता हूँ, और ऐड टू कार्ड करने की वजह से यहाँ पे आना तो चाहिए।
आ गया, इसका मतलब ये है कि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फर्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट कर लें। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसको दोबारा होम पेज पे ले जाएं। किस पे जी अपने काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे। ऐड टू कार्ट हो गया तो उसको कर लें रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। index.axpx ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैंने लिप्स पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। मैंने बर्गर पर क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, देखें हमारे पास कार्ट में दो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, काउंटर बढ़ता जा रहा है। सैंडविच पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, मैंने वैल्यू उसकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कार्ड है वो बिल्कुल ठीक मेंटेन हो रहा है, हमारे पास उसकी क्वांटिटी भी आ रही है कार्ड की। ठीक है, अब क्या करें, जब इस कार्ड पे जब क्लिक हो तो एक पूरा कार्ड का पेज होगा जिसके अंदर उस कार्ड की डिटेल आ रही होगी कि उस कार्ड की डिटेल में कौन कौन से उसने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, उसका उसका इमेज क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, मज़ीद क्वान्टिटी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो ये जो सारा काम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। See you next video.